देखिए, उपचुनाव के लिए हम तो उसी दिन से तैयार थे जब से हमारी सरकार गिरी थी। हम लोग पूरी तरह तैयार हैं, तारीख आने का इंतजार है और उपचुनाव में बहुत अच्छे परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आने की उम्मीद भी है, सर्वे भी बता रहा है। बमोरी का जहाँ तक सवाल है, मुझे प्रभारी नहीं बनाया है, प्रभारी तो पार्टी जो बनाएगी इसकी और जो आएंगे संगठन का काम देखने, मुझे उनकी मदद करने के लिए कहा गया है। तो जो संगठन की तरफ से जो प्रभारी बन के आएंगे वो मुख्यतः चुनाव का संचालन वही करेंगे, मैं उनकी मदद करने के लिए मुझे कहा गया है तो वो मैं कर रहा हूँ। आपकी तरफ से या पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी के लिए कई नाम आगे आए हैं, आप किसी का नाम? नहीं, मैं उम्मीदवार चयन करने में मेरी कोई भूमिका नहीं है। उम्मीदवार चयन पार्टी अपने सर्वे के आधार पर करेगी, पार्टी का सर्वे चल रहा है। प्रशांत किशोर जी हैं जो जिन्होंने कई चुनावों में जितवाया है कई पार्टियों को, तो वो सर्वे कर रहे हैं और पार्टी का एक इंटरनल सर्वे हो रहा है, दो सर्वे हो रहे हैं। उसके बाद जो भी उम्मीदवार होगा उसके लिए हम काम करेंगे सब मिलकर। उपचुनाव में इस बार देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपने बल और सत्ता के साथ आगे बढ़ेगी, कांग्रेस के पास इस बार नए चेहरे ढूंढना बड़ी मुश्किल की बात हो रही है। देखिए, अब चुनाव बिल्कुल अलग हो गए हैं, अब ये बल बल के चुनाव नहीं होंगे, दादागिरी के चुनाव नहीं होंगे, भीड़ आएगी नहीं, आम सभाएं होंगी नहीं, होंगी तो वो फीकी आम सभाएं होंगी। अब जो भी चुनाव है वो ठोस काम के आधार पर, योजना के आधार पर होगा और बहुत सारा चुनाव तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होगा, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इनके आधार पर होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस से होगा। आपके हिसाब से इस बार कितनी सीटें मिलेंगी कांग्रेस को? हम तो सोच रहे हैं 24 की 24 ही ले लें, क्यों छोड़ें एक आदमी तो, क्योंकि ये आपने देखा एक प्रजातंत्र के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ये कोई कांग्रेस पार्टी के खिलाफ धोखा नहीं है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ धोखा है कि पैसा दे के विधायकों को खरीद रहे हैं और विधायक बिक रहे हैं, ये बड़ी गलत बात है। तो ये तो इस तरह चलेगा तो प्रजातंत्र को खतरा है, फिर कैसे चलेगा? पूरे देश को, प्रजातंत्र को खतरा है। तो इसका जवाब जनता देगी जवाब। हमें उम्मीद है हमारे दोनों लोग चुन के जाएंगे। भाजपा में भी बहुत असंतोष है, ये जो 24 गए हैं इनको भाजपा झेल कर रही है, कार्यकर्ता तो नहीं झेल रहा, पार्टी की मजबूरी थी, उन्होंने सरकार बनाने के लिए इनको ले लिया। लेकिन ये 24 लोग भाजपा के खिलाफ तो लड़े ही अभी 6 महीने, अब क्या साल से, सवा साल पहले। अब जो जिनसे ये चुनाव लड़े हैं वो इनकी मदद क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब देखने वाली बात है। तो भाजपा में भी खलबल मची है, भाजपा के कार्यकर्ता नाराज हैं क्योंकि कार्यकर्ताओं से पूछा नहीं गया, चुपचाप ये कार्रवाई हुई है। भाजपा का कार्यकर्ता कितनी मेहनत करता है, अभी मुझे कहीं दिख नहीं रहे भाजपा के कार्यकर्ता, बमोरी में नहीं दिखे न कहीं दिखे। उम्मीदवार जरूर घूम रहे लेकिन कार्यकर्ता नहीं घूम रहे, और कांग्रेस के तो लोग पूरी तरह तैयार बैठे हैं, दम खम से जीतेंगे।